नमस्कार मेहमान, और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आज जिले नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड, जो सबसे बड़ी प्रखंड है, 19 पंचायत है, यहाँ पर 34 चरण में आज चुनाव हो रहा है। और यहाँ पर मतदान करने को लेकर देखिए लंबी कतार में महिला लोग सुबह सुबह घर से निकली। हालांकि तेज बारिश होने के बाद सभी महिला लोग अपने घर से निकली है और मतों को देने के लिए ये लोग निकली है। और बता दें, आपको जानकारी दे देते, अकबरपुर प्रखंड में टोटल 1786 प्रत्याशी अपने भाग आजमा रहे। आज उनकी भाग जो किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद होगी। और 19 पंचायत में 301 मतदाता केंद्र बनाया गया है, जहां पर वोटरों की संख्या 179,000 है। आप तस्वीर देख रहे थे किस तरह से 100 ये बूथ नंबर जो है 113 पर यहां पर तमाम लोग हैं। मतलब हम जानेंगे यहां पर कि आखिर लोग वोट क्यों करते, किस लिए वोट करते हैं आप लोग, क्या काहे के लिए वोट, अपना पदवी के लिए, बढ़ाने के लिए। अच्छा, हाँ, कैसा लग रहा है ईवीएम से पहली बार लग रहा है? ये सब अच्छा लग रहा है, महिला का विकास हो रहा है, और क्या होगा। तो देखिए महिला है इनके द्वारा का अच्छा लगा, और भी कुछ लोग हैं हम जानेंगे क्योंकि किस तरह से यहाँ पर वोटिंग चल रहा है। आप लोग वोट देने आए दीदी, क्या कुछ कहिएगा, किस लिए वोट करते हैं आप लोग? किस लिए? अपने चुनाव के लिए करते हैं, अपने गांव के लिए चुनते हैं, जो हमारे लिए बेहतर हो, गाँव के लिए बेहतर हो। हाँ, हम लोग किसी एक को चुनते हैं जो कि कुछ करे आगे, गांव का विकास करे, जो इसलिए करते हैं, वोट देते हैं, और क्या। सुबह से लाइन में खड़े, पूरी बारिश हुआ, क्या कहिएगा? बारिश हो रही है तो क्या करेंगे, देना तो है, बारिश हो या धूप रहे, देना तो है ना, देना है। हाँ, देना है। तो देखिए और भी कुछ लोग, आप लोग यहाँ पर चाची इतनी उम्र भी हो गया, आप वोट करने आए हैं, क्या कुछ संदेश दीजिएगा? क्या दें, क्या बताइएगा? हमको कोई बताने के लिए नहीं आता, आगे से विकास के लिए जरूरी है। प्रतिनिधि का चुनाव होगा, हमारे गांव का विकास होगा, महिला का उत्थान होगा, जनता की सेवा लोग करेंगे। महिला की उत्थान और पुरुष की उत्थान, जनता का उत्थान होगा ना। अच्छा। यहाँ के ग्रामीणों का उत्थान होगा, और आप लोग को मन लगेगा ये सब करने में। देखिए बुजुर्ग महिला है, और इनके द्वारा कहा गया थे सभी का उत्थान होगा, इसी को लेकर ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और भी कुछ उधर युवक लोग भी है, उनसे भी हम जानेंगे क्योंकि आज जो है वोटिंग चालू है। और यहाँ पर तमाम लोग जो देखिए खड़े किस तरह थे, आपको तस्वीर दिखाएंगे नवादा के। सुबह से ही तमाम लोग अपने अपने घरों से निकले हैं और वोट करने के लिए के बूथ पर लंबी कतार में लोग खड़े हैं। आप लोग जो खड़े हैं युवक है, क्या कुछ किस तरह थे, आप लोग क्यों वोट करते हैं, किस लिए करते हैं? वोट देना हम लोग का लोकतांत्रिक अधिकार है, लोकतंत्र हमारे देश में सबसे बड़ा पर्व है, और इस पर्व में हम लोग युवाओं को बढ़ चढ़ कर और सभी मतदातागण को शामिल होना चाहिए। प्रथम दृष्टि से समाज और गांव के विकास के लिए वोट देना बहुत ही आवश्यक है, यह हमारा लोकतांत्रिक कर्तव्य भी है। कैसा लग रहा है पहली बार जब वोट देने आए, ईवीएम में वोट देंगे, क्या कुछ कहिएगा? ईवीएम से वोट देने से पारदर्शिता आएगी, मत का बर्बादी जो पहले किसी तरह हो जाता था वो नहीं हो पाएगा, और सभी लोग सरलता से वोट दे पाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है सरकार के द्वारा, पंचायत चुनाव में भी ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए युवा क्या इनके द्वारा बताया जा रहा है, पंचायत चुनाव में ईवीएम से इस्तेमाल किया गया है, और ये अच्छी पहल है सरकार की। और ये लोग ईवीएम से वोट करने को लेकर यहाँ पर आए। आपको बता देते ये जो क्षेत्र है पूरी तरह सबसे बड़ी, जिला के सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है अकबरपुर, जहाँ पर 19 पंचायत है, सबसे बड़ा पंचायत है। और एक तस्वीर हम दिखा रहे थे किस तरह थे, यहाँ पर देखिए सुबह से ही कतार में खड़े होकर तमाम जो मतदाता है यहाँ पर पहुँचे हैं और वो वोटिंग कर रहे हैं। आप तस्वीर देख रहे थे नवादा थे किस तरह से ये तस्वीर आ रही है, जहाँ पर लोग अपने अपने घरों से निकले हैं और वोट कर रहे हैं। बता दें कि नवादा जिला के तमाम जगहों पर वोटिंग प्रक्रिया चालू, सुबह 7 बजे शाम 5 बजे तक वोटिंग किया जाएगा, और जिसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किया गया है। नवादा से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए अमन की रिपोर्ट।